पीटक और मिलके संघर्ष करते हैं, फिर अब हर बच्चे को, हर घर से एक बच्चे को नौकरी देंगे, ठीक है ना। लेकिन आप सब लोग युवा वर्ग साथ देखा की प्रदेश महासचिव है, उनका फूल गुलदस्तों से जो स्वागत किया जा रहा है मोहित बेलर का है जो प्रदेश महासचिव है युवा आईएसओ के। मांगने की जगह विधानसभा थी, 5 साल तक जो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा है उनके पास वो प्लेटफॉर्म था जहां वो हिसाब मांग सकते थे, लेकिन वहां पे जब अभय सिंह जी चौटाला हिसाब मांगते थे तो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मनोहर लाल जी खट्टर के साथ शेरो शायरी करते थे, तो वो समय नहीं। ये भी कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स स्टूडेंट्स के जो इलेक्शन होते हैं उसमें गुंडागर्दी भी होती है, मर्डर्स भी हो जाते हैं, ये रेफरेंस भी दिया जाता है। ये जो डरपोक लोग है ना वो ये बातें करते हैं कि गुंडागर्दी होती है, आज क्या नहीं है, आज ये तो प्रशासन का काम है। आज जो है, आज भी गुंडागर्दी है, आज भी मर्डर हो रहे हैं, वो किस लिए, वो कोई बच्चे थोड़ी कर रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे अनुशासन मेंटेन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपने देखने लग गए हरियाणा डेली पोस्ट और मैं ग्रोवर नरवाना फिलहाल केएम पुलिस के बाहर है और यहाँ पर है जो काफ़ी दिनों से है एडमिशन चल रहा है और एडमिशन में चलते हुए कुछ त्रुटियाँ या कमी आ जाती है उसको पूरा करने के लिए आईएसओ के जो प्रदेश सचिव है मोहित बेलर खा वो हेल्प कर रहे हैं। और ऐसे में सुनैना चौटाला जी जो प्रदेश की महिला विंग है, महिला विंग की जो महासचिव है वो यहाँ पर पहुँची है और तमाम जो नेबल पर्सनैलिटी है इन एलो की वो यहाँ पर है कैंप कॉलेज में पहुंचे और फुल गुलदस्ते से है जो सुनैना चौटाला जी का है जो स्वागत किया जा रहा है। और अंकुश परोचा जी, ताई कंडेला वाली जी मशहूर है हमारी ताई जी, वो भी यहाँ पर पहुंचे और सुनैना चौटाला जी का है जो महिला विंग की प्रदेश महासचिव है उनका फुल गुलदस्तों से है जो स्वागत किया जा रहा है मोहित बेलर का है जो प्रदेश महासचिव है युवा आईएसओ के। तो डेस्क लगाए गए हैं यहाँ पर है जो हेल्प की जाती है एडमिशन करने में, किसी को कोई कमी है, कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है तो उन दिक्कतों को है जो सुलझाया जाता है। एक साइड में आप देख सकते हैं KYS है जो वो भी डेस्क लगाए हुए हैं और हौसला अफजाई करने के लिए है जो सुनैना चौटाला जी जो महिला विंग प्रदेश की जो महासचिव है वो यहाँ पर पहुँची है। और साथ में है जो हमारे भाई साहब भी पहुँचे हुए हैं, वैद साहब सन्नी वैद जी, ताई कंडेला जी, पिर्ची नंबरदार जी जो पूर्व विधायक है नरवाना हलके के, वेदी साहब भी हैं, तो युवाओं से मिलते हुए और हौसला अफजाई उनका करते हुए उनसे हाल चाल पूछते हुए सुनैना चौटाला जी जिन्होंने जो हिसार लोकसभा का इलेक्शन जो लड़ा था 2024 का। संघर्ष करते हैं, फिर अब हर बच्चे को, हर घर से एक बच्चे को नौकरी देंगे, ठीक है ना। लेकिन आप सब लोग युवा वर्ग साथ देंगे। और हमारे दूसरी साइड आप देख सकते हैं अंकुश परोचा जी भी है, सुशील सरपंच जी भी है, सुलेड़ा वाले जो एक टीम इनेलो की जो एक टीम है उसकी तरह काम करते हुए इनेलो को है जो हरियाणा के अंदर। और एक बड़ी अपडेट तो आपको पता ही है, हरियाणा के अंदर है जो इनेलो और BSP का जो महागठबंधन जो हुआ है कितना वो है जो इफेक्ट करेगा, कितना इम्पैक्ट जो वो विधानसभा 2024 इलेक्शन में डालेगा, उन सब पे चर्चा भी हम करेंगे। फिलहाल सुनैना चौटाला जी है जो युवाओं से बात करते हुए और वादा भी करते हुए दिखाई दिए हैं, वादों में कितनी सच्चाई होती है उसके बारे में तो लगातार सोशल मीडिया पर आम जन के अंदर दिमाग में चलता रहता है पॉलिटिक्स को लेकर कि हर घर से एक युवा को है जो रोज़गार दिया जाएगा, पक्का रोज़गार। और युवाओं से बात करते हुए सुनैना चौटाला जी पॉलिटिक्स जो है वो क्या है ना, हमें युवा नेता नहीं मिलते, वही हैं जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में। आपने देखा कोई युवा नेता तैयार होता हुआ? उसका रीजन है क्योंकि हम एक्टिव पॉलिटिक्स जो हमारे कॉलेजेस में थी वो हमने खत्म कर दिया है। इलेक्शन होने जरूरी है, उसमें आप जब भी मैम इलेक्शन हो गए जब भी तो बोलने का अधिकार होगा, बोलने का अधिकार मिलेगा और एक युवा नेता आगे आएगा। युवा नेता दूसरी मैम आज पहले ही ऐसा प्रेशर बना देंगे जो युवा आ रहे हैं उनको बोलने का न्यू लाइक जितना ये दबाए जा रहे हैं लेकिन बोलने का मौका नहीं मिल रहा। गन करें तो ये नहीं पता स्टूडेंट पॉलिटिक्स है क्या, ये तो गन करे अभी आ रहे हैं जो
उनके तो लगे हैं वो बैठे बिल्कुल वो क्योंकि वो हो गया ना एक क्रेज दूसरे अंदर टीचर का पास जावे टीचर दबका के कहते चल ये नहीं दबकान क्यों लग रहे चाहे तो इसका रीजन दे गलत है तो गलत दे नहीं पॉजिटिव उनको तो बाहर निकालते हैं लेकिन हमारा पास इमाम ने हेल्प करे तो कौन करेगा बाहर तो कोई आने से यही मैं इसीलिए मैं कह रही हूँ की एक्टिव पॉलिटिक्स जो स्टार्ट हुई थी ना कॉलेज के इलेक्शन बहुत जरूरी है वहाँ से एक युवा नेता तैयार होता है और आपके इर्द गिर्द जितने युवा है जिस कॉलेज में उसको आप लीड करते हो आपको उनकी समस्या पता होती है आप उनके लिए लड़ाई करते हो आगे ये जो आज MLA MP बन गए जो बूढ़े बुजुर्ग हो चुके वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में दूसरी युवा तो बच्चे आ ही नहीं रहे आगे तो हम युवाओं को आगे लेके आएंगे। सुनीला जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो मैम? एकदम ठीक। आपने स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स को लेकर बात की है, काफी सालों से इलेक्शन नहीं हो रहे स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स अपने नेताओं को आगे आना चाहिए क्या कुछ कहना? बिल्कुल मैं ये चाहती हूँ क्योंकि युवा वर्ग एक नई सोच का नेता हमें कैसे मिलेगा जब तक कॉलेज से हम उस चीज को क्रेजी हमने खत्म कर दिया उन बच्चों का। कॉलेज के अंदर एक तो संतुलन बन के रहेगा एक अनुशासन बन के रहेगा अगर एक मुखिया होगा तो वो हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। कॉलेज में कुछ भी दंगा फसाद होता है तो हम कहते हैं प्रेसिडेंट को बुलाओ उस प्रेसिडेंट की एक जिम्मेवारी बन जाती है तो समाज में भी अनुशासन बन के रहेगा। मैं इसलिए इस पक्ष में हूँ क्योंकि हमें अच्छे नेताओं की आज बहुत ज़रूरत है एक युवा सोच के नेताओं की जरूरत है। आज युवाओं को दबाने का काम किया जा रहा है जैसे कि एक धड़ा ये भी कहता है कि जो पॉलिटिक्स स्टूडेंट्स के जो इलेक्शन होते हैं उसमें गुंडागर्दी भी होती है मर्डर्स भी हो जाते हैं ये रेफरेंस भी दिया जाता है। ये जो डरपोक लोग हैं ना वो ये बातें करते हैं कि गुंडागर्दी होती है आज क्या नहीं है आज ये तो प्रशासन का काम है आज जो है आज भी गुंडागर्दी है आज भी मर्डर हो रहे हैं वो किस लिए वो कोई बच्चे थोड़ी कर रहे हैं पढ़ने वाले बच्चे अनुशासन मेंटेन करते हैं। हरियाणा के अंदर हम देख रहे हैं आए दिन है जो सर यहाँ मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं क्या कुछ कहना है सरकार विफल हो पा रही है? विफल है पूर्ण रूप से विफल है इसीलिए मैं यही कहूँगी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए लोगों के लिए। नमस्कार मैम ओनली एक क्वेश्चन आएगा जैसे अब हरियाणा के अंदर है जो BSP और NLO का जो गठबंधन है कितना इम्पैक्ट है जो 2024 विधानसभा में जो प्रभावित कर पाएगा वोटर कैसे बूथ का जो ये गठबंधन पहुंचा पाएगा? देखो भाई हरियाणा प्रदेश में मुख्य रूप से दो दल हैं किसान और कमेरा वर्ग दो वर्ग हैं दोनों ही वर्ग मेहनती वर्ग हैं अपने अपने हकों के लिए आज परेशान हैं। जब दो ताकतें एक होती हैं तो निश्चित रूप से चौंकाने वाले नतीजे आते हैं हरियाणा प्रदेश में भी वही होने जा रहा है। जब किसान और कमेरा वर्ग दोनों ही एक है इंडियन नेशनल लोकदल और BSP जब एक हो चुके हैं तो हरियाणा प्रदेश की कमान जो है जनता अभय सिंह जी चौटाला के हाथ में देने जा रही है। ओपोजिशन है जो हरियाणा का वो अभी एक चीज लेकर निकला है कि हिसाब मांगो भाजपा से तो इनेलो और जो बसपा कौन सा जो लाइन लेकर चलेगी कि जैसे कांग्रेस लेकर चल रही है कि हिसाब मांगो। देखिए कांग्रेस बहुत लेट है इस मामले में अभय सिंह जी चौटाला एक साल पहले परिवर्तन यात्रा कर चुके हैं और जो हिसाब मांगने की जगह है वो जनता के बीच में नहीं है हिसाब मांगने की जगह विधानसभा थी। पांच साल तक जो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा है उनके पास वो प्लेटफॉर्म था जहां वो हिसाब मांग सकते थे लेकिन वहां पे जब अभय सिंह जी चौटाला हिसाब मांगते थे तो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मनोहर लाल जी खट्टर के साथ शेरो शायरी करते थे तो वो समय निकल चुका है। आज जनता के बीच में आप जा रहे हैं हिसाब मांगने पाँच साल पहले आप कहाँ थे वो हिसाब तब हो जाता लेकिन आज तो आप सिर्फ वोट बटोरने के लिए हिसाब मांग रहे हैं इसलिए मैं यही कहूंगी ये सारा एक प्रोपेगेंडा है। अच्छा BJP सरकार कहती है कि हम कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करते हैं लेकिन अमित शाह जी आते हैं और कहते हैं मैं बढ़िया का बेटा हूँ सबका हिसाब रखता हूँ क्या कुछ कहेंगे? देखिए उनके कथने और करने में हमेशा फर्क रहा है जनता इस बात को समझ चुकी है पूर्ण रूप से नकार चुकी है।
आपकी सरकार आने पे है, जो जैसे मोहित बिलर का ऐसे के जो जो सचिव है प्रदेश के, ऐसे कितने लोगों को है जो आगे लाया जाएगा और युवा वर्ग को बिल्कुल आगे लाया जाएगा। और मैं चाहती हूँ हरियाणा प्रदेश की कमांड जो है युवाओं के हाथ में होनी चाहिए, ताकि एक नई सोच का नेता, एक नया हरियाणा बिल्डअप हो। थैंक यू मैम। तो हर मुद्दे पे हमने बात की है। सुनैना चौटाला जी है जो आज केएम कॉलेज में पहुंचे थे और तमाम बीजेपी को भी घेरा है बेरोजगारी को लेकर। मेन जो इनका मुद्दा था जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि जहां तक मेरा आइडिया है जब इनेलो की सरकार थी तब यहां पर जो इलेक्शन हुए थे स्टूडेंट को लेकर, काफ़ी सालों से जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स के जो इलेक्शन नहीं हुए हैं। तो कहा है जैसे हमारी सरकार आई स्टूडेंट्स को आगे लाया जाएगा, स्टूडेंट्स इलेक्शन करवाए जाएंगे, क्योंकि जो युवाओं से ही है जो एक बड़ा नेता निकल कर सामने आता है जो बेरोजगारों को लेकर, रोजगारों को लेकर है, जो स्टूडेंट्स को लेकर आवाज़ उठाता है। तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल हरियाणा डेली पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आप फेसबुक को देखें तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।